लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उकला है और इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। हाफिज सईद ने अखनूर के जीआरईएफ कैंप पर हुए हमले को भारतीय सेना पर आतंकियों की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। अपनी एक रैली के दौरान उसने कहा कि इस हमले में आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और 30 जवानों का खात्मा कर दिया। हाफिज ने दावा किया है कि 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने अखनूर के जीआरईएफ कैंप पर हमला किया और वे सुरक्षित लौट आए। हाफिज ने इसे बदले का सर्जिकल स्ट्राइक बताया। दरअसल जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में 9 जनवरी को LOC के पास जीआरईएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में 3 कर्मचारी मारे गए थे। वहीं हाफिज ने अपनी शेखी बखारते हुए कहा कि मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मैंने मोदी को जवाब दे दिया, जबकि नवाज शरीफ इसका जवाब तक नहीं दे सके। तो हाफिज सईद ने सीधे तौर पर यह स्वीकार किया है कि अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने ही हमला किया था। सईद ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान क्या कहेगा? क्या अभी भी भारत ही झूठ बोल रहा है? देखते रहिए DB Live।